मम्मी के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेड के पकौड़े। हमने ब्रेड ले लिया है, एक कटोरी प्याज, एक छोटी कटोरी हरी मिर्च काट के रखा है और बेसन। अब हम ब्रेड को मिक्सी में घुमा लेंगे। हमने मिक्सर में देखिए ब्रेड को घुमा लिया, तो इसे थोड़ा दरदरा ही पीसना है। देखिए अब हम इसे एक बर्तन में निकालेंगे। अब इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्च, प्याज, स्वाद अनुसार नमक, ब्रेड में नमक होता है तो उसके हिसाब से ही डालें। एक चम्मच हल्दी छान लिया है इसे डालेंगे। इसे पानी से मिला लो अच्छे से। अच्छे से मिला लीजिए इसे। हमने मिला लिया बेसन को, ये देखिए। हम गैस पर पैन को रखेंगे और ऑन कर देंगे। पैन गरम होगा, अब हम इसमें रिफाइंड का तेल डालेंगे। रिफाइंड गरम हो गया, अब हम इसे पकौड़े डालेंगे। छोटे छोटे लीजिए हिसाब से। इसे देखिए पलट लीजिए, देखिए पलट। सारे को पलट लीजिए। सारे पलट लिए। अब इसी तरह से हम लो आंच पर इसको पकाएंगे, कलर चेंज होने तक, ब्राउन होने तक। देखिए ब्रेड के पकौड़े के कलर चेंज हो रहे हैं, इसे लो आंच पर 2 मिनट और पकाएंगे। पकौड़े हो गए, तैयार हो गए, अब हम इसे निकाल लेंगे।
सारे पकौड़े निकाल लेंगे। इसी बर्तन में निकाल लेंगे। हमारे पकौड़े बनके तैयार हो गए, कितने क्रंची और सॉफ्ट। हमारे पकौड़े कितने क्रिस्पी बने, देखिए। हम इसे सॉस या टमाटर की चटनी या जिसे खा सकते हैं।